सिद्धनाथ इंटर कॉलेज की ओर से वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें कॉलेज की प्रबंधक शिव कुमार राजपूत जी ने जानकारी देते हुए बताया कि रामचरितमानस का पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम दीपदान व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष में ये सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। और आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। धन्यवाद।
आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है प्राचीन काल मंदिर में, उसके बारे में हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। ये किस तरीके का आज कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम के बारे में साहब, ये श्री सिद्धनाथ मंदिर के प्रांगण से ही हमने श्री सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की स्थापना की जी, सन 1983 में जी। मैंने अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने विवेकशीलता के कारण मैंने कभी शादी करी जी। और आज 40 वर्ष इस विद्यालय के पूर्ण हो रहे हैं जी। इसकी वर्षगांठ हम लोग अपने विद्यालय के नाम से, श्री सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के नाम से मना रहे हैं जी। 40वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम चल रहा है जी। तो इसमें भंडारे का कार्यक्रम और रात में भी दीपोत्सव कार्यक्रम होगा जी, और कुछ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें अनुमान में जी। लेकिन मंदिर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है जी, जिसका हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों से लेकर के आज तक किसी ने इसका इतिहास के बारे में जानकारी नहीं जी। हाँ, और आज हमारे इस पुरातत्व विभाग ने इसको अपने हैंडवर्क किया भी है जी। इसका इसमें सर्वेक्षण भी हो चुका है और कार्यशैली में लगा हुआ है जी। ये प्राचीन मंदिर का इतिहास इस एरिया का मतलब काफ़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आया आज तक जी। ये हमारा मंदिर काफ़ी प्राचीन है। ये कहाँ पे स्थित है मंदिर? ये ग्राम मुन्नालाल खेड़ा जी, सैठा काकोरी लखनऊ के क्षेत्र में जी, मुन्नालाल खेड़ा गांव है जी। ये मंदिर का जीर्णोद्धार कभी हमारी जिला कमेटी ने, जिला प्रशासन योजना गवर्नमेंट की जो होती है उसमें था जी, काफ़ी रिपेयरिंग साइड में काफ़ी प्राचीन, काफ़ी टूट फूट हो गई थी जी। आज भी इसकी आवश्यकता है जीर्णोद्धार की जी। लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्नशीलता के साथ काम किया है, करा भी रहे हैं जी। पर्यटन विभाग को भी काफ़ी प्रयासरत, उसमें भी हम लोग हैं जी। माननीय मंत्री जी से भी काफ़ी वार्ता हुई, राजवीर सिंह जी से जी। लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है, लेकिन बजट समझौता पारित होने वाला है जानकारी जी। तो उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन मिला है योगी जी की सरकार में, तो खासकर बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। आश्वासन मिला है। किस तरीके का आश्वासन मिला? अब ये बजट का मतलब हमारा दूसरे नंबर पर सीट में इन्वॉल्वमेंट हो गया है, प्रिंट हो गया है, बजट का एस्टिमेट भी बन गया है, लेकिन अभी कन्फर्मेशन नहीं।